बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम मैथमेटिक्स का यूनिट वन कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.4 उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आज हम इसमें ये टू मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? तो इसमें तीन स्टेप्स में हम इसको करेंगे। पहला स्टेप जो है वो है कि मेक श्योर नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट वन इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड वन। कि जो दो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं। सेकंड स्टेप में हम मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इन द सेकंड मैट्रिक्स। कि पहले मैट्रिक्स की ईच रो को हम सेकंड मैट्रिक्स ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये फर्स्ट स्टेप को इज ओके, टू रोज आर इक्वल टू टू कॉलम्स, तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को। उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप में हमने पहली रो को जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। आसानी के लिए मैंने एक स्मॉल बॉक्स में किस तरतीब से करना है आपके सामने एरोस के साथ शो किया। फिर हमने स्टेप टू में ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम जो है उसके बाद इसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ब्लू बॉक्स में है। और उसके बाद हम जो है वो इसकी जो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी प्रोडक्ट्स जो है मल्टीप्लिकेशन की वो आपकी पर्पल बॉक्स में है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, हमने इनको ऐड करना है। तो आप देखें कि जो ऊपर छोटा बॉक्स है उसमें 8 इंटू माइनस 5 बाई 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और 6 इंटू माइनस 5 बाई 2 को, तो ये सिंपलीफाई करके हमारे पास माइनस 20 आता है और नीचे माइनस 15 आता है। तो इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फिगर्स आ जाती हैं, माइनस 4, 0, माइनस 4 और 1। और ये इसको हम इसी तरह उठा के ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 4, माइनस 4 और 0, 1। ये हमारा जो है वो आंसर है। तो उम्मीद है अगर आप हर मल्टीप्लिकेशन से पहले ये तीनों स्टेप फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर ज़िंदगी के भी कुछ असूल बना लिए जाएं तो ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। इफ़ यू डोंट गो आफ्टर वाट यू वॉन्ट, एक तो आपको मेहनत करनी है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इफ़ यू डोंट आस्क, अल्लाह तो हमें बगैर मांगे बहुत कुछ देता है, लेकिन अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं करें। और इफ़ यू डू नॉट स्टेप फॉरवर्ड तो यू विल बी ऑलवेज बी इन द सेम प्लेस। स्टेप फॉरवर्ड करें तो दुआ मांगते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमें इल्म में इजाफा फरमा। और स्टेप फॉरवर्ड यह है कि आज से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना अपने ऊपर लाजम कर लें, क्योंकि कुरान मजीद ही वो रास्ता बताता है जिससे हमें सच्ची और हकीकी कामयाबी और इस दुनिया का सुकून और खुशी हासिल हो सकती है। तो क्योंकि हम कुरान मजीद को तर्जमे से नहीं पढ़ते, हमें समझ नहीं आती कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप वन देखते हैं। तो इसमें भी इनकी इस मैट्रिक्स की दोनों की दो टू रोज और टू कॉलम्स हैं और ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दे फुलफिल कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब हमने वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद ईच कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हमने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अब हम जो है अभी स्टेप टू कर रहे हैं। अब हम सेकेंड रो को जो है वो ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोडक्ट जो है ब्लू बॉक्स में है। उसके बाद हमने जो है इसकी
सेकंड फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और जब हम आपको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है कि ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन हो या माइनस हो के ज़ीरो ही रहता है, और ज़ीरो के साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव निशान नहीं लगाया जाता। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो भी एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स में आएगा। तो इस तरह अगर आप स्टेप्स में फॉलो करेंगे तो आप कोई से बड़ी मुश्किल जो है प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।